examples about constant pointer. In first case, we are declaring simple ordinary primitive variable called as x. Simple things. इस केस में लोकेशन क्रिएट हुआ, इस लोकेशन का लॉजिकल नेम क्या होगा? समथिंग x. सपोज दैट बिफोर असाइनिंग और क्रिएटिंग x, सम मेमोरी प्लेसेस बाइट, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स. फिर कुछ दो बाइट्स का ब्लॉक, इसका एड्रेस में एज्यूम करो मैं 100. इसे 100 लोकेशन इनिशियली कैसा हुआ? सम अनरिजर्व्ड प्लेस. जैसे इस केस में स्टेटमेंट फर्स्ट एग्जीक्यूट हुआ, स्टेटमेंट फर्स्ट के अकॉर्डिंग सपोज दैट अगर इस लोकेशन को नेम असाइन हुआ है एक्स, एक्स क्या वेरिएबल नेम विच इज लॉजिकल नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन 100. देन अगर इस लोकेशन का एड्रेस 100 है, इसलिए इसका एक और नेम क्या क्रिएट हो गया जाए, स्टार 100 अकॉर्डिंग टू प्रीवियस प्रॉपर्टीज. इस फाइनली इस लोकेशन को एक्सेस करने के टोटल अप्रोच कितने होंगे? टू अप्रोच, यूजिंग एक्स और यूजिंग स्टार 100. लेकिन इस केस में एक्स को क्रिएट किया हुआ यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड. कॉन्स्ट कीवर्ड के रिस्पेक्ट में इसका सिंपल मीनिंग क्या रहेगा? मीन्स लोकेशन एक्स को, मीन्स इस केस में जो भी कॉन्स्टेंट कीवर्ड है, कॉन्स्टेंट कीवर्ड एक्स के लिए अप्लाई हुआ, ना कि इस लोकेशन के लिए. मीन्स इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या हुआ? इस लोकेशन का वैल्यू एक्स के थ्रू चेंज करना पॉसिबल नहीं, लेकिन अदर वे में मीन सम अदर नेम का यूज करके एक्सेस करना, चेंज करना पॉसिबल है. मीन्स इस केस में अगर आप राइट डाउन करते एक्स इक्व टू 5, इट इज इनवैलिड ऑपरेशन. इसे इनिशियली एक्स का वैल्यू क्या था? 10. जैसे इस केस में सेकेंड स्टेटमेंट अगर आप ट्राई करोगे, इसलिए असाइनमेंट ऑपरेशन कैसा है? इनवैलिड. वी कैन नॉट चेंज वैल्यू ऑफ कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट. इस कॉन्स्टेंट टाइप के लोकेशंस के वैल्यू चेंज करना पॉसिबल नहीं यूजिंग दिस नेम. अगर आप सेम प्लेस पर राइट डाउन कर दे समथिंग सम अदर वे लाइक स्टार 100, देन सेम ऑपरेशन कैसा होता है? वैलिड. लेकिन अभी असाइन कैसे किया भाई? यूजिंग लोकेशन एक्स. इसलिए ये कॉन्स्ट अप्लाई किसके लिए हुआ? ओनली फॉर एक्स, नॉट फॉर स्टार 100. मीन्स फाइनल इस केस में रेज क्या हुआ? कंपाइल टाइम एरर. मीन्स इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए ट्राई नहीं करो जस्ट बिकॉज ऑफ कंपाइल टाइम एरर और प्रीवियस एरर्स. नेक्स्ट वन एग्जाम्पल टू. एग्जाम्पल टू क्या है? इट इज अ कंटिन्यूशन ऑफ फर्स्ट एग्जाम्पल्स और प्रीवियस वन एग्जाम्पल्स. इन दैट केस वी आर डिक्लेयरिंग वेरिएबल एक्स. देन कॉन्स्ट इस केस में अप्लाई किसके लिए हुआ है? एक्स के लिए, ना कि पॉइंटर के लिए. मीन्स पॉइंटर पी कैसा? ऑर्डिनरी पॉइंटर लाइक अ प्रीवियस पॉइंटर्स. इस फाइनली जब फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लोकेशन क्रिएट होगा कॉल्ड एज लोकेशन और वेरिएबल नेम एज एक्स, समथिंग एड्रेस एज 100, इसके अकॉर्डिंग असाइन क्या रहा? वैल्यू एज 10. सेम है एड्रेस 100 है, इसलिए इसका एक और लॉजिकल नेम क्या रहा होगा? समथिंग स्टार 100. दिस द डायग्राम अकॉर्डिंग टू एग्जीक्यूशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट वन, जैसे इस केस में सेकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए ट्राई करें, इसके अकॉर्डिंग एक और वैल्यू क्रिएट हो, वन मोर वेरिएबल एज पी, मीन्स पॉइंटर्स. सपोज दैट अगर इसका एड्रेस है 98, इसलिए इसका पी का नेम क्या हुआ? इटसेल्फ स्टार 98. फाइनली पी में असाइन क्या हो रहा है? एड्रेस ऑफ लोकेशन एक्स विच इज 100 अकॉर्डिंग टू डायग्राम. मीन्स एक्स का एड्रेस 100, इसलिए पी में क्या असाइन हो जाएगा? 100. देन पॉइंटर पी के रिस्पेक्ट में एक और लोकेशन क्रिएट होगा, स्टार पी. स्टार पी किसके इक्विवेलेंट है? पी के प्लेस पर पी का वैल्यू रिप्लेस कराएंगे. पी के प्लेस पर क्या आएगा? सिंपली 100. दैट्स व्हाई इट इज इक्विवेलेंट टू स्टार 100. मीन्स इस लोकेशन का एक और नेम क्या होगा? स्टार पी. मीन्स फाइनली इस लोकेशन को एक्स के थ्रू भी चेंज कर सकते हो और स्टार पी, लेकिन एक्स इस केस में क्या? कॉन्स्टेंट. इसलिए एक्स के थ्रू मॉडिफाई करना पॉसिबल नहीं, बिकॉज मीन्स एक्स के रिस्पेक्ट में लोकेशन कैसा है? कॉन्स्टेंट. लेकिन स्टार पी के रिस्पेक्ट में लोकेशन कैसा है? चेंजेबल. मीन्स एक्स के थ्रू चेंजेस करना पॉसिबल नहीं. अगर सेम प्लेस पर मैं राइट डाउन करता हूँ एक्स इक्व टू 5, इट इज इनवैलिड ऑपरेशन. लेकिन थर्ड केस में राइट डाउन क्या किया है? अकॉर्डिंग टू थर्ड स्टेटमेंट स्टार पी इक्वल्स टू 5, जिस लोकेशन का नेम स्टार पी, इस लोकेशन में कैसा नहीं जाएगा? 5. लेकिन इनडायरेक्टली एक्स का वैल्यू क्या हो चुका है? 5. एक्स इज ऑल्सो 5. इसलिए सेकेंड केस में जैसे प्रिंट एप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, प्रिंट एप के अकॉर्डिंग फाइनली इसका आउटपुट प्रिंट होगा, एक्स का वैल्यू भी 5 सो रहा है, क्योंकि एक्स और स्टार पी दोनों ही सेम लोकेशन के नेम है. मीन्स एक्स के थ्रू मॉडिफाई करना पॉसिबल नहीं हुआ था, लेकिन स्टार पी के थ्रू मॉडिफाई करना पॉसिबल. इसलिए दोनों ही केस में क्या डिस्प्ले हुआ? 5 एंड 5, क्योंकि एक्स का वैल्यू 5 सो रहा है एंड स्टार पी का वैल्यू क्या? ऑल्सो 5.